फ्रेंड्स, वेलकम टू अदरवर्ल्ड ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम 2 अगस्त 2021 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक है हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो वी डिस्कस इन द फॉर्म ऑफ द वन लाइनर आंसर्स विद द क्वेश्चंस। नाउ वी डिस्कस द टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने हेपेटाइटिस के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी दवा पंजीकृत कराई गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि मलेशिया ने हाल ही में हेपेटाइटिस के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी दवा पंजीकृत कराई गई है। इम्पोर्टेंट याद रखना हमें मलेशिया द्वारा किया जा रहा है। सो द मलेशिया कंट्री रजिस्टर्ड द वर्ल्डेस्ट फर्स्ट चीप एंड द इफेक्टिव ड्रग फॉर द हेपेटाइटिस। अब बात हेपेटाइटिस की, तो हमें पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस का सबसे ज्यादा घातक स्ट्रेन होता है हेपेटाइटिस बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है। सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि श्रीलंका कंट्री द वर्ल्डेस्ट लार्जेस्ट स्टार सेफस क्लस्टर्स वाज फाउंड। हमें पता होना चाहिए कि श्रीलंका में सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है। जैसा कि हम जानते हैं कि नीलम एक जेम्स का फॉर्म है। और बात श्रीलंका की, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है कि श्रीलंका और भारत के बीच में जो बाउंड्री है या जो पासिंग पोर्ट है उसे हम बोलते हैं द पोर्ट ऑफ मनार। इम्पोर्टेंट याद रखना द पोर्ट ऑफ मनार। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोले तो गल्फ ऑफ मनार भी कहते हैं। दोनों चीजें हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, CSIR ने नेत्रहीन लोगों के लिए किस डिवाइस को विकसित करने की योजना बनाई है। सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि दिव्य नयन डिवाइस हैज बीन डेवलप्ड बाई द CSIR फॉर द ब्लाइंड पीपल। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है दिव्य नयन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, भारत का अगला डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया जाता है। सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि गांधीनगर विल इंडिया द नेक्स्ट डिफेंस एक्सपो 2021 वी हेल्ड। अब बात गांधीनगर की, तो हमें पता होना चाहिए कि गांधीनगर गुजरात की कैपिटल लगती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2022 में डिफेंस एक्सपो की थीम क्या रखी गई है। तो हमें पता होना चाहिए कि गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है इंडिया का नेक्स्ट डिफेंस एक्सपो 2022। इसकी थीम भी हमें याद रखनी है। सो द थीम इज द डिफेंस एक्सपो 2022 इज द इंडिया इज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इंडिया इज अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार कृषि उत्पाद निर्यात के मामले में भारत किस स्थान पर रहा। सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द WTO और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द 9th पोजीशन ऑफ द इंडिया इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। हमें पता होना चाहिए कि इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को लेकर 9th पोजीशन पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में भारत रहा है, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पर कौन रहा है प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई थिंक 2 ऑप्शन में दे सकती हूँ, इसमें चाइना और मैक्सिको में से आप बता सकते हैं कि कौन है फर्स्ट पोजीशन में एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को लेकर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी कौन चुना गया। सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं प्रमोद भगत वॉज सिलेक्टेड एज द बेस्ट डिसेबल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019। तो हमें पता होना चाहिए कि पैरा ओलंपिक 2019 के अंदर प्रमोद भगत डिसेबल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर एट द इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019। सो गाइज, अब हम ये बोल सकते हैं कि पैरा ओलंपिक में, बट पैरा ओलंपिक 2021 में 2020 की पोस्टपोन्ड होके की आई है, बट हम ये नहीं कह सकते कि पैरा ओलंपिक में ये जीते हैं। आई थिंक कोई दूसरे गेम में ये जीत चुके हैं प्रमोद भगत। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं SN घोरमारे एज अपॉइंटेड द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि साइरस पूनावाला वाज अवार्डेड विद द लोकमान्य तिलक अवार्ड। अब बात साइरस पूनावाला की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि साइरस पूनावाला कौन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, भारत के पास वर्तमान में कितने मिलियन टन के स्वर्ण अयस्क भंडार है। सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि 500 मिलियन टन्स द इंडिया currently has reserved the 500 million tons gold ore. Now question number 11, किस राज्य ने
इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि मेघालय स्टेट साइन द MOU विद द इन्वेस्ट इंडिया। अब बात मेघालय की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ मेघालय इज शिलोंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-2, किस राज्य ने न्यूनतम मजदूरी को 27 रुपए बढ़ाकर निर्णय लिया? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान स्टेट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द मिनिमम वेजेस बाय ₹27। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-3, ऑटोडेस्क फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार ऑटोमेशन के प्रभाव से तैयारी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑटोडेस्क फाउंडेशन रिपोर्ट, द 5th रैंक ऑफ द इंडिया इन टर्म्स ऑफ द प्रिपेयर्डनेस विद द इंपैक्ट ऑफ द ऑटोमेशन। इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-4, इसरो ने कब जियो अमेजिंग सैटेलाइट EOS-3 लॉन्च करने की घोषणा की है? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द इसरो अनाउंस द लॉन्च ऑफ द जियो इमेजिंग सैटेलाइट EOS-3। सो गाइस, आंसर इज द अगस्त 2021। हाल ही में अगस्त 2021 में इसरो ने जियो इमेजिंग सैटेलाइट EOS-3 लॉन्च करने की घोषणा की है। अब बात इसरो की, तो हमें पता होना चाहिए फुल फॉर्म ऑफ इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर हमें याद रखना मुंबई में स्थित है और इसका मेन ब्रांच जेनेवा में स्थित है, जो नासा से टाई अप है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1-5, अमित शाह ने किस राज्य में तामुलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी है? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द तामुलपुर मेडिकल कॉलेज एंड द हॉस्पिटल इन द आसाम स्टेट। हाल ही में अमित शाह ने आसाम राज्य में तामुलपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी है। अब बात आसाम की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर। 2 अगस्त 2021 करंट अफेयर्स। आई होप गाइस आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द आरएफएल ट्यूटर्स। योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।